नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज इन फिगर एम वन इज इक्वल टू फाइव के जी एम टू इज इक्वल टू टू के जी एंड एफ इज इक्वल टू वन न्यूटन फाइंड द एक्सलेशन ऑफ इधर ब्लॉक सेकेंड पार्ट है सवाल का डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मास एम वन इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट एफ कंटिन्यूज टू एक्ट नाउ सिंपल सवाल है एफ बी डी बना के सॉल्व करेंगे सो ये स्नैरियो है कि ये आपका ब्लॉक ऐसे एक फाइव के जी का ब्लॉक है फाइव के जी एम वन और ये दूसरा ब्लॉक है वन के जी एम टू वन के जी है ना टू के जी राइट टू के जी का ब्लॉक है और ये ऐसे पुली पे लटके हुए दोनों और दोनों पे आपके फोर्स एफ़ जिसकी वैल्यू है एफ़ अपने को यहाँ पे दिया हुआ है वन न्यूटन दोनों पे ही आपका एफ़ फोर्स लग रहा है हमें बताना है आपके ब्लॉक्स का एक्सेलेसन क्या होगा लेट अस अज्यूम आपका एक्सेलेसन इस डायरेक्शन में इसका ए एक्सलेशन है इसका ऊपर ए एक्सलेशन है ना आपका जो एम वन जो ब्लॉक है उसका अगर हम एफ बनाएंगे तो इसके ऊपर नीचे फोर्स लगा आपका एम वन जी प्लस एफ और ऊपर आपकी टेंशन टी आई और नीचे आपका ए एक्सलेशन आया तो इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एम वन जी प्लस एफ माइनस टी विल बी इक्वल टू एम वन एम वन ए आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी है आ, दूसरा जो आपका ब्लॉक है M2 उसके जब एफ़ बनाएंगे तो M2 ब्लॉक है नीचे उसके लग रहा है आपका M2g टू जी प्लस एफ़ ऊपर आपकी टेंशन T है और ये ऊपर ए एक्सलेशन से जा रहा है तो इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी T माइनस एफ़ टू जी ऊपर T नीचे माइनस एफ टू जी माइनस एफ़ विल बी इक्वल टू एम टू ए आपकी इक्वेशन टू हो गई ना अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो अपनी टी की सुपारी हो जाएगी सो so, हम कह रहे हैं वन प्लस टू इन दोनों को ऐड कर दें तो टी आपका उड़ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा और इनफैक्ट एफ भी आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हालांकि सो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एम वन माइनस एम टू जी वुड बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू सो ए की जो वैल्यू आ गई वो हो गई एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू जी वैल्यू रख देंगे पाँच और दो सो दिस विल बी इक्वल टू फाइव माइनस टू डिवाइडेड बाई फाइव प्लस टू जी यानी कि हो गया थ्री बाय सेवन जी नाउ जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें नाइन पॉइंट एट so सो जो आपका एक्सलेशन है आ, यहाँ कर लेते हैं सो एक्सलेशन विल बी इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाई नाइन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई सेवन नाइन पॉइंट एट सेवन से डिवाइड हो जाएगा ये डिवाइड हो बचेगा वन पॉइंट फोर थ्री सो so, एक्सेशन आ जाएगा आपका 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो यह आपका फर्स्ट पार्ट हो गया ना सेकेंड पार्ट है उसमें हमने कहा कि मान लो आपकी रस्सी यहाँ पे आ, ब्रेक हो गई ठीक है उस केस में हमें m1 का एक्सेलेशन बताना है ना उस केस में जो आपका एक्सेलेशन होएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय m1 ये आपका एक्सेलेशन होएगा तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर क्योंकि रस्सी ब्रेक हो गई है नेट फोर्स लगेगा m1 g जी प्लस एफ डिवाइडेड बाय m1 सो so, आपका एक्सेलेशन जो है वो हो जाएगा जी प्लस एफ बाई एम वन ठीक है तो जी की वैल्यू हो गई आपकी 9.8 पॉइंट एट प्लस एफ आपका वन है डिवाइड बाई मास आपका फाइव हो गया सो so, एक्सेलेशन हो गया uh, एक काम करते हैं इसका आंसर मैं खाली g जी के टर्म में ही दे रखा है जी प्लस जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलेशन uh, हो जाएगा इस वाले ब्लॉक का ठीक है सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर्स